स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। तिहाड़ में कैदियों से लिए हथियारों के ऑर्डर, बाहर आकर खोल दी आर्म्स फैक्ट्री। जमीनी विवाद के चलते किसान ने खाया जहर, एसबीआई ने जारी किए नए नियम। वक्त रहते जान ले वरना होगी मुश्किल। मुंबई के गोरेगांव इलाके में भयंकर आग, एनजीटी ने लगाया दिल्ली सरकार पर 25 करोड़ का जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने हथियारों की फैक्ट्री चलाने वाले इकबाल को अरेस्ट किया। पुलिस ने खुलासा किया है कि इकबाल को एक आरोप में 2014 में जेल भेजा गया था। उसने तिहाड़ जेल में कैदियों से संपर्क किया और हथियारों का ऑर्डर लिया। बाहर निकलकर उन्हीं बदमाशों को हथियार सप्लाई करने के लिए आर्म्स फैक्ट्री चलाने लगा। भिवानी गांव कितलान में 58 साल के बुजुर्ग किसान ने जमीनी विवाद के बीच जहर खाकर आत्महत्या कर ली। किसान बलवान ने शराब के नशे में सल्फास की गोलियां खाकर मौत को गले लगा लिया। बेटे ने ताऊ पर लगाया आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एसबीआई ने जारी किए हैं नए नियम। नए नियमों के अनुसार 12 दिसंबर से पुरानी चेकबुक नहीं चलेगी। इसके लिए बैंकों ने एसएमएस सेवा की मदद ली है, जिससे खाताधारक को चेकबुक सरेंडर करने और नई चेकबुक जारी करने के लिए मैसेज मिलेंगे। सोमवार को मुंबई के गोरेगांव के पास आर्या के जंगलों में आग लग गई। आर्या जंगल गोकुलधाम इलाके के पास है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू करने में जुट गई। बताया जा रहा है कि आग शाम 5:30 बजे लगी थी और जंगल में भयंकर तरीके से फैल गई। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने में नाकाम रहने पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने दिल्ली सरकार पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही कहा है कि यह 25 करोड़ रुपए की रकम सरकारी खजाने से नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की सैलरी और प्रदूषण फैलाने वाले लोगों से वसूली जाएगी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।